दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए आज हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया एक ऐसा रामायण और चमत्कारिक उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देगा। दोस्तों देखिए अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है या घर में बहुत ज़्यादा गरीबी छाई रहती है, पैसे की दिक्कत बनी रहती है, तो आपको बस एक उपाय करना होगा जो कि तुमरुका जी के नाम से उपाय है। और ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय है जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। दोस्तों काफ़ी सुंदर और बहुत ही आसान उपाय है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए इस उपाय को किस तरीके से करना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिखते हैं, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है जल्दी से जल्दी महादेव पूरी कर दें। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक मिट्टी के दीपक की। उस दीपक में आपको गोल वाली बाती का इस्तेमाल करना है। साथ में दोस्तों आपको चुटकी भर काले तिल लेने हैं और एक आपको लौंग लेनी है और एक आपको लेना है दोस्तों तांबे का पात्र। उस तांबे के पात्र में आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और उसी जल में दोस्तों आपको एक लौंग को और चुटकी भर जो आपने काले तिल लिए थे दोनों चीजें आपको जल में डाल देनी है और दीपक को और उस पात्र को आपको लेकर अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। शिव मंदिर में जाकर दोस्तों आपको शिवलिंग के पास जाके खड़े हो जाना है, ठीक है। शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको जो सबसे पहले जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है तुमरुका जी महादेव का ध्यान करके। उनका नाम लेकर आपको धीरे धीरे जल को अर्पित करना है। आधा लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा जल छोड़ना फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश के स्थान पर, थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पर और थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर छोड़ देना है, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें आपको रोक लेना है। दोस्तों देखिए जल आपको पात्र में थोड़ा सा जरूर रोकना है, चाहे आप 5-6 बूंदी क्यों ना रोक लें लेकिन पात्र को बिल्कुल पूरे तरीके से खाली ना करें। अब आपको करना यह आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको महादेव से हाथ जोड़ के बोल देनी है और दोस्तों आपको अपने घर चुपचाप चले जाना है। घर जाकर आप अपने मुख्य दरवाजे पर जो आपने थोड़ी सी जल की बूंदें उस पात्र में रोकी थी वो अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा डाल दें और घर में प्रवेश कर जाएं। दोस्तों ये उपाय करने से आपके घर की जो गरीबी होती है दूर हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है उसे तुमरुका जी महादेव पूरा कर देंगे और आपके ऊपर हमेशा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया ये उपाय अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना जल्दी से जल्दी महादेव पूरा कर दें।